नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। क्या देश में शुरू होने वाला है मौत का भयंकर तांडव? हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन में जब 1000 से ज्यादा मौतें और 2 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हो, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेते जा रही है। सिर्फ पिछले 10 दिनों में नए मामले की संख्या दोगुनी हो चुकी है। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। न अधिकतर लोग मास्क पहन रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। अभी भी समय है, संभल जाइए, नहीं तो फिर देश में मौत का भयंकर तांडव शुरू होगा, जिसको रोकना संभव नहीं होगा। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो पता चलता है कि देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। गुरुवार को यानी कि आज के दिन देश में 2,376 नए मरीज मिले हैं और वहीं 1,038 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ पिछले 10 दिनों में नए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई। 5 अप्रैल को पहली बार देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे और 15 अप्रैल को करीब 2 लाख मामले आए हैं। अब तक सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश था जहां एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा आई थी। अमेरिका में वहीं 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पहुंचने में जहां 21 दिन लगे थे। अमेरिका में जब कोरोना चरम पर था तब 8 जनवरी को एक दिन में 3,09,035 मामले सामने आए थे। देश में खतरनाक होती कोरोना की दूसरी लहर तो चिंता की बात है ही, इससे भी बड़ी चिंता यह है कि कोरोना लगातार अपना रूप बदलते जा रहा है और जांच में भी नहीं आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस 1 साल में तो इंसान जरा भी नहीं बदले और हमारा कोई अपडेट वर्जन भी नहीं आया, लेकिन इस अवधि में कोरोना वायरस के कई वर्जन आ चुके हैं। दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 12,000 वेरिएंट सामने आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में इसके 100 से ज्यादा और नए वेरिएंट की पहचान हुई है। दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 12,000 वेरिएंट सामने आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में इसके 100 से ज्यादा और नए वेरिएंट की पहचान हुई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि नए वेरिएंट कोरोना के टेस्ट में भी धोखा दे रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि नए वेरिएंट कोरोना के टेस्ट को भी धोखा दे रहे हैं। यानी अगर आप कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होते हैं, आपको इसके लक्षण दिखने लगते हैं और फिर आप टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। नया वेरिएंट कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि कई मामलों में आरटीपीसीआर टेस्ट के बावजूद इस वायरस से संक्रमण का पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि आरटीपीसीआर टेस्ट को कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए मुफीद माना जाता है।
टेस्ट में नेगेटिव होने के बाद यदि कोई लापरवाही बरतता है तो फिर उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि नए वेरिएंट फेफड़े को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका होता है कि फिर मरीजों को बचाना डॉक्टरों के लिए आसान नहीं रह जाता है। साफ है कि जान जाने की संभावना ज्यादा है। एक और डराने की बात है कि कोरोना संक्रमण की नई लहर बच्चों और युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। कई राज्यों में नवजात बच्चों से लेकर युवाओं तक संक्रमण ज्यादा हो रहा है। पहली लहर में वृद्ध और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा होता था। दुखद और हैरानी की बात तो यह है कि देश में खतरनाक होती कोरोना की मौतों के बाद भी लोगों में सतर्कता का अभाव देखा जा रहा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, देश की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी शामिल है, क्योंकि देश में 5 राज्यों में चुनाव के दौरान जिस प्रकार चुनावी सभाओं और रैलियों का दौर देखने को मिला, उससे साफ हो गया है कि राजनीतिक पार्टियां तो आम जनता की चिंता नहीं बल्कि अपनी सत्ता और कुर्सी की चिंता है। हालांकि वे स्वयं भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और संक्रमित भी हो रहे हैं, यहां तक कि जाने भी जा रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा क्षेत्र चुनाव से लड़ रहे कांग्रेस के नेता रिजाउल हक का कोरोना के कारण निधन हो गया है। चुनाव आयोग की तरफ से भी गाइडलाइन तो जारी कर दिया गया, लेकिन इसके पालन को लेकर शक्ति नहीं बरती गई। इसी का नतीजा है कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहां कोरोना काफी तेजी से फैला है। सिलीगुड़ी में 17 अप्रैल को चुनाव होना है और चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति काफी भयावह होती जा रही है और पिछले कुछ दिनों से लगातार 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी दार्जिलिंग जिले में 109 और सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में करीब 148 मामले सामने आए हैं। समझाना मुश्किल नहीं है कि कोरोना महामारी कितनी खतरनाक और भयावह रूप ले चुकी है। इसलिए जरूरत है इससे बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आने वाले नियमों का पालन किया जाए। मास्क पहनने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने, साथ ही सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल किया जाए। हम सभी को समझना होगा, जिंदगी हमारी है और इससे बचने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, Python जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि, जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ।
फसल कुनै होस् रोग कुनै पनि होस् एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस् सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक